ये पिंडरा जोरा थाना अंतर्गत 26 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ था चोरी का, जिसमें कि एक गोडाउन से काफ़ी हेवी अमाउंट में इंग्लिश जो लीकर है उसकी चोरी हुई थी और तीन गार्ड को बंधक बना लिया गया था। उसको लेके मेरे द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, जिसमें SDPO चास मुख्य अफसर थे और इंस्पेक्टर रैंक के अफसर थे, उसका थाना प्रभारी थे। उसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक सोनू, एक राहुल, एक संदीप। इन तीनों के अलावा तीन चार लोग और भी इसमें शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें टोटल 751 पेटी जो शराब है वो बरामद की गई है। और ख़ास बात है, जो गाड़ी यूज़ हुई थी, इंडिका कार, जो CCTV का पोर्शन तोड़ा गया था, जितने भी चीज़ थे सभी चीज़ की बरामदगी इसमें हुई है। और एक तरह से बहुत अच्छा काम पुलिस ने किया है, जिसमें सारे जितने भी चीज़ की चोरी हुई, चाहे वो लीकर हो, चाहे वो तलवार हो, लाठी हो, गाड़ी हो, सभी की रिकवरी हुई है। कितने लाख की चोरी हुई थी सर? ये 750 पेटी है, तो लगभग उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 15-20 लाख के अमाउंट करीब अमाउंट होगा। जितना शराब जो चोरी गई थी उस सारा शराब बरामद हो गया? जी, मोस्टली बरामद हो गई है। अब एक्साइज डिपार्टमेंट से हम लोग एक बार इसको वेरीफाई भी करा लेंगे उस इशू पर, बट ऑलमोस्ट जितनी इसमें चोरी हुई थी सभी बरामद हुई। सर, इस घटना में जो है केवल लाठी और तलवार के बल पर लोग 15 लाख रुपये के सामान लूट, इन लोग को बंधक बना लिया गया था, तीन गार्ड थे। उसके बाद गार्ड कोई सूचना, फ़ोन भी छीन लिया गया था, तो कोई सूचना देने की स्थिति में नहीं थे। फिर एक बड़ी गाड़ी में सभी को लोड किया गया था, लीकर को ले गया गया था एक दूसरे जगह पे, और गाड़ी से जिससे वो लोग आए थे उसमें ये सब रखा गया था, लाठी तलवार अगर जरूरत पड़े तो इसका। जिस गाड़ी से सर ले जाया गया था वो भी गाड़ी चिन्हित हो गई है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, स्कूल में ये रखा गया है तो स्कूल खोला कैसे गया? इसका स्कूल वाला कोई इन्वॉल्व है इसको? हाँ, अभी कुछ कुछ और इश्यूज हैं, मैंने जो रिलेटेड हैं वो हम लोग अभी जांच में रखे हैं, हो सकता है एक दो दिन में वो क्लियर हो जाएगा।